पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, फाइनली द डे हैज कम। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? विल बार्सा बी एबल टू मेक अ कमबैक? क्या रेमोंटादा हो सकता है अगेन? बिग डील भाईज, बिग डील। मतलब फोर गोल्स, वी हैव टू स्कोर फोर गोल्स विदाउट रिप्लाई। कंसीड नहीं करना है, उसके बाद हमें चार गोल तो मारने ही मारने हैं। वैसे अच्छी बात है, ये पिछला वीक बार्सा के लिए काफी अच्छा रहा है। आई मीन बहुत अच्छा रहा है, जिस तरीके से हमने सेविया को हराया, लीग में हमने एक अच्छी स्टैंडिंग ले ली है, सेकेंड पोजीशन पे आ चुके हैं हम, एंड कोपा डेल रे में हमने सेमीफाइनल में सेविया को हराया, वो एक रेमोंटादा किया हमने। उसके बाद से बार्टोमेउ का जेल जाना, लपोर्टा का प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीतना, यू नो, हैज बीन अ गुड वीक फॉर बार्सा। एंड इसके बाद व्हाट वुड बी देयर मोटिवेशन टू प्रोसीड इनटू द आगे आने वाले दिनों में, वो क्या करें? एंड द थिंग इज, दिस गेम इज सो ह्यूज। बार्सा की कह सकते हो कहीं ना कहीं इस सीजन की रेपुटेशन इस गेम पे लाई करती है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग, सिर्फ जीतना इस गेम में नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड जो कि भाई बहुत बड़ी बात है, जीतने की बात अभी नहीं करते हैं। मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट अभी के समय में हाउ वी प्ले इन दैट गेम, बिकॉज अगर आप पीएसजी को देखो, पीएसजी 4-1 की लीड ऑलरेडी ले चुकी है कैंप नू पे, चार अवे गोल है, बहुत क्लियरली दे आर थ्रू टू द नेक्स्ट टाई। बट यहाँ पे बात आती है कि हाउ वुड पीएसजी अप्रोच दिस गेम, क्या लाइनअप होगा, कैसे खिलाएंगे, किन प्लेयर्स को वो खिलाएंगे, विल दे गो विद देयर यू नो सेम यूजुअल फॉर्मेशन ऑफ अ 4-3-3 जिसमें वो बार्सा का गेम्स यूज किया था, और विल दे गो विद अ 4-2-3-1 मच मोर कंपोज, डबल मिडफील्डर्स, यू नो, ज्यादा सिक्योरिटी टू योर बैक लाइन, कितना प्रेस करेंगे forward, you know, how will they exploit their spaces and all. तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. We'll take a look at the form of the both the teams. कैसा run of form चल रहा है बार्सा का, PSG का, क्या predicted lineup हो सकता है, and what to expect out of this game. And हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं prediction में कुछ score नहीं बताऊँगा. तो आप लोग फील फ्री बता देना मुझे कमेंट्स में. सो लेट्स फर्स्टली टेक अ लुक एट पीएसजी. सबसे पीएसजी की बात करते हैं, ठीक है? पीएसजी को अगर आप देखो तो टेबल पे दे आर सेकंड, ठीक है, लीग वन में सेकंड पे हैं, लिल फर्स्ट पे है, 62 पॉइंट्स पे है फर्स्ट टीम, सेकंड पे पीएसजी ऑन 60 पॉइंट्स. तो लीग वन में हमें सबको पता है कि दे हैवंट हैड देयर बेस्ट रन ऑफ फॉर्म, स्टिल पोचेटिनो के अंडर दे हैव बीन इम्प्रूविंग. थोड़े मोड़े हर्डल्स आए हैं, वो हमेशा होता है, जब भी कोई नया मैनेजर आता है तो हमेशा हर्डल्स आए होते हैं. एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा, नेमार वुड स्टिल बी मिसिंग दिस टाई. तो ये भी टाई भी अगेन नेमार मिस करने वाला है, स्टिल ठीक है, नो बिग डील, दे हैव डन देयर जॉब इन द फर्स्ट लेग. एंड वो 4-1 की लीड लेने के बाद आई डोंट थिंक सो दैट पीएसजी वुड बी द टीम जो कि अभी यू नो डर रही होगी, यू नो, मुझे नहीं लगता. दे वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, उनके लिए बहुत ईजी गेम बन चुका है, बिकॉज ऑल दे नीड टू डू इज जस्ट डिफेंड, प्ले अ सिंपल सटल गेम. चार गोल्स खाना एक मैच में, इट्स नॉट सो ईजी, हर बार नहीं होता है. सो यू नो उनके लिए थोड़ा एक छोटा टास्क है, छोटा टास्क है. एंड देखो, अगर मैं थोड़ा सा लाइनअप के बारे में बात करूँ, पिछला गेम बॉर्डियोस के अगेंस्ट उन्होंने जो खेला है लीग उनमें, दे हैव गॉन विद अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन, ठीक है, दागबा, मार्किनियोस, किम्पेम्बे, कुर्जावा, गे एंड परेरा, रफीना को कैम खिलाया, सराबिया, ड्रैक्सलर, इकार्डी के साथ दे वेंट इन दैट गेम. दे वॉन दैट गेम 1-0, नॉट अ कन्विंसिंग विन, बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यही सेम लाइनअप यूज करेंगे वो बार्सा के अगेंस्ट. मुझे लगता है दे विल बी नीडिंग द सेम कंसिस्टेंसी, सेम इंटेंसिटी जिसके उन्होंने बार्सा के अगेंस्ट खेला था. एंड भाई हमने देखा कि द वे दे प्रेस्ड बार्सा, मतलब लिटरली बार्सा को मौका तक नहीं दिया ऑन द बॉल, सो दे वुड बी नीडिंग द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. हम कह सकते हैं कि फाइन दे आर 4-1 अप, तो वो हो सकता है अपनी बेस्ट टीम ना खिलाएं, बट वाई नॉट, क्यों नहीं खिलाओगे आप? इफ़ यू हैव द प्लेयर्स हु कैन गेट द जॉब डन, अगर फर्स्ट 45 मिनट तक वो अच्छे से कंटेन कर ले बार्सा को, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है अगले 45 मिनट में बार्सा चार गोल मार देगी? आई डोंट थिंक सो. सो मे बी दे कुड गो इन अ 4-2-3-1 लाइनअप. हो सकता है इद्रिसा कुए के साथ में डेनिलो पेरेरा खेले, बिकॉज थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव है. मुझे लगता है कि सराबिया, इकार्डी एंड किलियन एम्बापे माइट प्ले. मुझे लगता है रफीना के जगह पे हो सकता है ड्रैक्सलर को वो खिला दे एज अ कैम. हाँ, एंड फिर एंडर हेरेरा भी है, यू नो, टीलो केरर भी है ऑन द राइट हैंड साइड, बट फिर आई थिंक सो ऑन द राइट हैंड साइड फ्लोरेंजी वुड रिटेन हिज पोजिशन एट द राइट बैक. तो इट्स ऑल टू सी. देखो लाइनअप मैं कह रहा हूँ कि मैटर इसलिए करता है कि द लाइनअप विल डिसाइड हाउ पीएसजी विल प्ले द गेम, बिकॉज अगर हम 4-2-3-1 लाइनअप से जा रहे हैं, दैट मीन्स 4 डिफेंडर्स ऑलरेडी, 2 मिडफील्डर्स जो कि बहुत प्रॉपरली मिड अपने डिफेंस को कवर करेंगे. ज्यादा अटैकिंग गेम हम नहीं देखेंगे, बट हाँ, वी विल सी अ काउंटर अटैक गेम फ्रॉम पीएसजी. मुझे लगता है मेरे हिसाब से पीएसजी वुड सिट बैक, विल लेट बार्सिलोना हैव द बॉल, वो उनको कहेंगे भाई तुम खेलो, डू योर वर्क, डू योर थिंग, बट आई थिंक सो पीएसजी विल सिट बैक, ट्राई टू डिफेंड एंड हिट देम ऑन द काउंटर्स. एंड ये बहुत ईजी गेम हो सकता है, यू नो, दिस इज द इजिएस्ट काइंड ऑफ फुटबॉल टू प्ले.
to sit back and to defend, to hit them on the counter attacks, because PSG have got such kind of players to कॉज द डैमेज. किलियन एम्बापे जैसे स्पीडस्टर अगर आपके टीम में है तो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट द काउंटर्स. हमें ये देखना है कि मोइज़े केन विल प्ले और नॉट. आई थिंक सो, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम इंजरी और समथिंग, दैट्स व्हाई ही वाजंट प्लेड लास्ट टाइम आउट अगेंस्ट ब्रेस्ट. बॉडियो के अगेंस्ट भी वो नहीं खेला था. दैट वुड बी अ मिस फॉर देम, बट स्टिल दे आर कवर्ड. वट कुड बी द टैक्टिक्स ऑफ पोचेटिनो? क्या सोचेगा कि शुड ही गो विद द सेम काउंटर प्रेसिंग स्टाइल, बिकॉज दैट वर्क सो वेल अगेंस्ट बार्सिलोना लास्ट टाइम आउट. तो इस बार क्या सेम फिलोसफी हम यूज करें? इसी यही बात बोलते मैं थोड़ा बार्सा के बारे में बात करना चाहूंगा. बार्सा के बारे में अगर आप देखो, यू नो, सेकंड ऑन द टेबल, फाइन, वेरी गुड वीक कह सकते हो. कुछ पिछले 10-15 दिन बार्सा के लिए बहुत अच्छे रहे हैं. यू नो, लास्ट टाइम आउट हमने ओसासुना को भी कंफर्टेबली 2-0 डिफीट किया. एलेक्स मोरिबा स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल फॉर बार्सिलोना, ओनली 18 इयर्स ऑफ एज. सेविया को हमने 3-0 हराया, सेविया को हमने 2-0 हराया. एल्चे को अगेंस्ट हमने 3-0 हरा चुके हैं. कैडिस के अगेंस्ट बस हमने वो बहुत लेथार्जिक गेम खेला. बट आई थिंक सो कि वो जो बैक थ्री की फॉर्मेशन है बार्सा के लिए, दिस फॉर्मेशन ऑफ अ बैक थ्री विथ टू विंग बैक्स, ये काफी सही है. यू नो, दिस वर्क्स गुड फॉर बार्सा. द थिंग इज कि अगर देखो, पीपल लोग मुझसे कहते थे कि अगर बार्सा बैक थ्री में खेली होती पहला लेग तो हम इतने गोल नहीं खाए होते. बट हु वुड हैव थॉट, गाइस, हु वुड हैव थॉट कि बार्सा वुड बी कमिंग टू सच अ पोजिशन. बट नहीं, फाइन, अभी मुझे लगता है बार्सा would be playing again in a back three formation because that has worked for them nicely. तो अब पीके नहीं है, रोहो नहीं है, तो अगेन वी कैन सी मिंगेजा, क्लेमेंट लॉन्गले खेल सकता है वहाँ पे, उमतीती खेल सकता है अगेन, जॉर्डी अल्बा, डेस्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, फ्रेंकी डी योंग, बुस्केट्स विल बी प्लेइंग. आई थिंक सो, मुझे लगता है जितने लोग मना कर ले बुस्केट्स नहीं सही है, लेकिन आई थिंक बुस्केट्स हैज टू प्ले दिस गेम. टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है, टैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. बुस्केट्स इज द गाय हु रीड्स द गेम वेरी वेल. पेद्री हैज टू प्ले. पेद्री का वर्क रेट, जो वो टैकल्स प्रोवाइड करता है, जो वो इंटरसेप्शन करता है, जो वो रन देता है, ही हैज टू प्ले. बहुत इंडस्ट्रियस है, एंड जॉर्डी अल्बा खुद अच्छे रन ऑफ फॉर्म में है, तो जॉर्डी अल्बा ऑल्सो हैज टू प्ले. एंड अब बात बस ये आई कि हु वुड बी प्ले, यू नो, अप टॉप, आगे किसको खिलाओ के? तो मेसी, डेफिनेटली मेसी वुड बी प्लेइंग. एंड मेसी के साथ हु डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट गाय? अब यहाँ पे बताओ मुझे, पेयरिंग के हिसाब से क्या सही है? क्या 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 डेम्बेले को खिलाएं हम? क्या ग्रीज़मान को खिलाएं? क्या ब्रेथवेट को खिलाएं हम? What could be the best possible lineup for Barca in the forwards? तो comments में मुझे बताना. मेरे हिसाब से I think so, just because Dembele is in a good run of form scoring wise, I think so we should take a look at Dembele. Dembele को खिलाना चाहिए हमें यहाँ लगता है. And फिर substitution तो होंगे ही होंगे. Griezmann आएगा and फिर other people, they will Trincao will come back. Puig भी है, Martin Braithwaite भी है. You know, these हो सकता है likes Moriba को, they might play him as well. तो यार अब it's not about tactics in this game. अब कैसी टैक्टिक तुम सेट कर लो अपोजिशन के अगेंस्ट, तुम जाके 4 गोल मार दो यार, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट वांटिंग द गेम. क्या आप जीतना चाहते हो? डू यू वांट टू डिलीवर एट द हाईएस्ट स्टेजेस? यू हैव बीन डाउन 4-1, क्या करोगे आप मैच में दैट यू एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर इन द फर्स्ट हाफ? बिल्कुल स्टार्ट करना है, पहले हाफ से गोल मारना है. वी नीड अ गोल विद इन द फर्स्ट 20-25 मिनट्स. हाफ एंड होते होते 2-0 बहुत सही स्कोर लाइन रहेगी. एज अ बार्सा फैन, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर का बार्सा फैन जाग रहा है. आई वॉन्ट टू विन दिस गेम. रिमुंतादा मैं चाहता हूँ हो, एक बार्सा फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज रहेगी. एंड हम अच्छे रन ऑफ फॉर्म पे हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं. एंड PSG मुझे लगता है कि हो सकता है दे वुड बी वेरी कंफर्टेबल, बट वो लाइटली नहीं लेगी बार्सा को, बिकॉज उनको पता है कि बार्सा एक अच्छे फॉर्म पे, एक अच्छा मोमेंटम पे है. तो अगेन, मेसी हैज टू हैव अ गुड गेम, पेड्री हैज टू हैव अ गुड गेम. हमने देखा था लास्ट टाइम आउट कैसे पेड्री को शट आउट कर दिया था वराटी और इद्रिसा गुए और इनकी मिडफील्ड ने, पेरेदेस की मिडफील्ड ने. बट हमें वी हैव टू सी हाउ वी हैव टू वर्क थ्रू दैट लो ब्लॉक. अगर PSG सिट की है तो हाउ वी विल काउंटर देम? इनसेसिव पासेस, विंग से ओवरलैप करोगे, क्या करोगे? यू विल हैव टू बी वेरी श्योर, बिकॉज यार हमें पता है कि क्रॉसिंग का गेम नहीं हो पाएगा, ये क्रॉसिंग कटबैक्स नहीं हो पाएगा. तो एक चीज तो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी होगी, वी हैव टू टेक शॉट्स, हमें शूट करना होगा. प्लेयर्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड. डेस्ट बेबी फ्रॉम द राइट साइड बॉल मिलेगी, शूट करेगा. पेड्री, मुझे पता नहीं क्यों पेड्री शूट नहीं करता है, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपनी शूटिंग पे. ही हैज फाउंड हिमसेल्फ इन सच ग्रेट पोजीशंस बट शूट नहीं करता है बंदा, पता नहीं मुझे क्यों. डेम्बेले स्टिल, ऑल्दो ही स्कोर्ड दैट गोल अगेंस्ट सेविया, मुझे लगता है डेम्बेले स्टिल कैन इंप्रूव हिज शूटिंग. नहीं अच्छी है उसकी शूटिंग, एक्यूरेसी नहीं है. मेसी की बात ना करूं तो यू नो, मेसी ऑफन टर्न्स हिमसेल्फ इनटू द प्रोवाइडर, बट मुझे लगता है यार मेसी को समहाउ अगर आप बॉल वो सब प्रोवाइड करो जो मेसी
अगले अलग प्लेयर्स को करता है, तो मुझे लगता है टर्न अराउंड गोल्स का ज्यादा होगा बिकॉज ही इज अ बेटर फिनिशर देन एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द बार्सा टीम। तो अब ये देखते हैं कि हम फ्रेंकी डी योंग, बुस्केट्स एंड पेड्री कैसे कंबाइन करके खेलेंगे, हाउ इनसेसिव विल बी, क्विकनेस बहुत रहनी है, एग्रेसिवनेस रहना है। हमने सेविया के अगेंस्ट हमने दिखाया हाउ टू प्ले, देन हमने ओसासुना के अगेंस्ट भी एक काफी फिजिकल गेम खेला गाइस, बहुत फिजिकल एस्पेक्ट में वो गेम खेला था, काफी सारे फाउल्स हमने किए थे, येलो कार्ड्स भी हमें मिले थे डेफिनेटली, बट वी शोड कि यार हम ये टाइप ऑफ फुटबॉल भी खेल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो बीइंग प्लेइंग दैट फिजिकल पार्ट। तो हमने काफी बार देखा था उस मैच में प्लेयर्स फाउल कर रहे थे अपोजिशन वालों को, मिंगेजा वाज वेरी फिजिकल, तो यस डेफिनेटली पीके वुड बी अ बिग मिस फॉर दिस गेम, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द गेम अगेंस्ट सेविया, बट स्टिल वी विल हैव टू मेक डू ऑफ व्हाट वी गॉट राइट। तो यार अब क्या कह दूं मैं, मन कहता है बारसा बट ब्रेन कहता है पीएसजी के पास अच्छी लीड है। अब आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, व्हाट टू से, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप बताओ व्हाट योर फीलिंग, क्या हो सकता है, क्या लीड लिटरली रिमेन करेगी या फिर हम कम बैक करेंगे, लेट मी नो, हेल्प मी आउट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। सो आई थिंक सो एनालिसिस के तौर पे मुझे बस ये बातें करनी थी, आई नीड टू गेट इट आउट, आई नीड टू सी माई टीम प्ले दे हार्ट आउट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, विन और लॉस आई डोंट केयर राइट नाउ, आई ओनली केयर अबाउट हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम दिस, हाउ नाइसली वी टेक अ हिट एंड इसके बाद हाउ वी प्रोसीड। 8-2 के बाद से दिस इज अ मच बेटर सिचुएशन, आधे ही गोल खाए हमने, 4-1 ही है अभी, स्टिल वी आर एट अ बेटर पोजिशन। हमें देखना है बार्सा कैसे काउंटर अटैक करेगी, कैसे खेलेगी, हाउ विल दे कंटेन द लाइक्स ऑफ इकार्डी, किलियन एम्बापे, सराबिया, इन ऑल वेराटी, इन मिडफील्ड में गेम होगा अगेन गाइस, बट ये बहुत डिफरेंट गेम होगा उस फर्स्ट गेम से जो हमने देखा। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक पीएसजी माइट वांट टू सेट इट आउट, थोड़ा सा बैठ के खेलेगी गेम एंड बार्सा विल बी गोइंग हैविंग द बॉल मोर, बट पीएसजी यहाँ पे लाइटली नहीं ले सकते बिकॉज दे कैन हिट अस, दे कैन स्कोर अ गोल एनी सिंगल सेकेंड ऑफ द गेम। सो डरते डरते स्टिल आई हैव टू से विस्कैल बारसा, आई ट्रस्ट माई टीम, मुझे लगता है एक बहुत ही फाड़ गेम होने वाला है। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसे देख सकते हो बैकग्राउंड बड़ा ही ग्लूमी सा है, तो आई विल वर्क ऑन दिस, सून कुछ चेंज आएगा, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।